हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज इजी। मैं आकृति, मैं आज शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मटन कीमा। मटन कीमा बनाना बहुत आसान है और मटन की दूसरी रेसिपी की तुलना में मटन कीमा जल्दी बन जाता है क्योंकि इसे कुक होने में टाइम कम लगता है और जब मटन कीमा बनकर रेडी हो जाता है तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मटन कीमा बनाने के लिए बोनलेस मटन को चॉप करके, मतलब कि बिल्कुल उसे बारीक टुकड़ों में काट कर तैयार किया जाता है। मैं जिस मटन शॉप से मटन खरीदती हूँ वहीं से मटन को बिल्कुल महीन कटवा कर उसका कीमा तैयार करवा लेती हूँ। इसी बारीक काटे हुए बोनलेस मटन को प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और बाकी मसालों के साथ पकाया जाता है। मैं मटन कीमा बनाऊँगी हमारे किचन में जो भी मसाले हैं उनसे। मैं इसमें कोई भी रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं करूँगी। इस तरीके से आप एक बार मटन कीमा ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत लजीज नॉनवेज डिश बनकर तैयार होगा और कुक होने के बाद ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि मुंह में डालते ही घुल जाएगा। तो चलिए मटन कीमा बनाने के लिए चलते हैं किचन में। साथ ही साथ मैं मटन कीमा बनाते समय मटन कीमा को टेस्टी और आसान तरीके से बनाने का ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। मटन कीमा बनाने के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस मटन को बारीक टुकड़ों में चॉप करवा लिया है और फिर उसे पानी से धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। और मटन कीमा को पकाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर और 1 इंच अदरक के टुकड़े और 10 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च ली है। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च लीजिए। और फिर मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मिक्सी में पीस कर उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसे पीसने में मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है। सूखे मसालों में मैंने लिया है साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही कीमा में कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कीमा को पकाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो घी में भी कीमा पका सकते हैं। और मैंने 2 चम्मच घी लिया है। घी मैंने कीमा को तड़का लगाने के लिए लिया है। साथ ही कीमा का फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी ली है। कीमा बनाने के लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और उस पर कढ़ाई रख दी है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और हाई फ्लेम पर ही मैं कढ़ाई को गर्म कर रही हूँ। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और अब इसमें मैं करीब 2 चम्मच के आसपास सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे तो मैंने कढ़ाई को मैं तेल को अच्छे से फैला दिया है। तेल गर्म हो गया है तो मैंने 1 चाय के चम्मच साबुत जीरा डाला है और जीरा जब तड़कने लगेगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। लो फ्लेम पर जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। जीरा तेल के साथ अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे। और प्याज को सॉफ्ट होने के लिए मैंने इसमें नमक डाला है। प्याज को 1 मिनट तक भून लेंगे और उसके बाद प्याज को सॉफ्ट होने के लिए पैन का ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए ढककर रख देंगे। लगभग 3 मिनट हो गए हैं तो मैं पैन का ढक्कन हटा रही हूँ और देखिए प्याज में से जूस निकल गया है। प्याज सॉफ्ट होने लगा है धीरे धीरे। तो प्याज में से जूस निकल गया है तो अब मैं इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ और प्याज के जूस के साथ ही कीमा को पकाएंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेने पर प्याज का कच्चा फ्लेवर चला जाता है और प्याज में से जूस भी निकल जाता है और इस जूस के साथ कीमा पकता है और ये जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। कीमा को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं इसे लगातार चला रही हूँ। कीमा और प्याज अच्छे से मिक्स हो गया है तो गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। गैस का फ्लेम हाई रखा है इसीलिए कीमा को लगातार चलाते रहेंगे। और इसी के साथ मैंने 1 चाय के चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर के साथ प्याज और कीमा को मिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे।
लगभग 3 मिनट तक मैंने हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर के साथ कीमा को पकाया है और अब देखिए कीमा का कलर चेंज हो गया है। मैं कीमा को पोक करते हुए लगातार चला रही हूँ और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर करीब 1 से 2 मिनट तक के लिए कीमा को ढक कर पकाया है और कढ़ाई का ढक्कन हटाने के बाद देखिए कीमा बहुत जूसी हो गया है। कीमा को मसालों के साथ पकाते समय पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्याज और मटन में से जूस निकलता है उसी में कीमा पकता है। तो एक बार कीमा को मैं चला रही हूँ। अब इसी स्टेज पर टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट मिक्सी में मैंने तैयार किया था उसे मिलाकर 1 मिनट तक कीमा के साथ भून लेंगे और फिर इसे ढक्कन लगाकर करीब आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में इसका ढक्कन हटाकर इसे चलाते भी रहना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। आधे घंटे के दौरान मैंने कई बार कढ़ाई के ढक्कन को हटा के कीमा को अच्छे से चलाया है पोक करते हुए। कीमा से जो जूस निकलेगा और मसालों से जो जूस निकलेगा उसी के साथ कीमा जो है वो पकेगा। तो फिर से मैंने कढ़ाई का ढक्कन लगा दिया है और इसी तरीके से 2 से 4 मिनट पर कढ़ाई का ढक्कन हटा हटा कर कीमा को चलाती रहूँगी ताकि वो पेंदी में चिपके नहीं। और जब तक प्याज पूरी तरीके से कीमा के साथ पक नहीं जाती और कीमा से ऑयल नहीं निकलने लगता तब तक हम कीमा को पकाएंगे। कीमा से जो जूस निकला था वो अब लगभग आधा से ज़्यादा ड्राई हो गया है तो मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर हाई फ्लेम पर कीमा को लगातार चलाते हुए भूनूंगी। कीमा अभी पूरी तरीके से कुक नहीं हुआ है और ये ड्राई हो गया है तो आप चाहें तो इस स्टेज पर पानी भी डाल सकते हैं पर मैंने पानी की जगह यहाँ पे नमक डाला है क्योंकि नमक डालने पे कीमा का नेचुरल जूस निकलेगा और कीमा बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद कीमा का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और अब मैं करछी से कीमा को पोक करते हुए पका रही हूँ। कीमा को पोक करते हुए पकाने से मसाले अच्छे तरीके से चॉप किए हुए बोनलेस मटन में एक बराबर मिल जाते हैं। कीमा अभी थोड़ी देर और पकेगा क्योंकि इसमें से तेल बाहर नहीं आया है तो मैंने फिर से कढ़ाई का ढक्कन लगा दिया है और कीमा को पकने के लिए ढककर रख दिया है। और कुछ कुछ देर पर कढ़ाई से ढक्कन हटाकर कीमा को चलाती रहूंगी जब तक कि कीमा से तेल पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाता। कीमा से थोड़ा थोड़ा तेल बाहर आने लगा है और अब गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है क्योंकि कीमा लगभग पक चुका है और इसे पकने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसीलिए लो फ्लेम पर इसे अब ढक कर पकाऊंगी और बीच बीच में चलाती भी रहूंगी जब तक पकाऊंगी जब तक कि कीमा से तेल पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाता। कीमा जब पूरी तरीके से तेल को छोड़ देगा इसका मतलब है कि कीमा अच्छे से पक गया है और मीट सॉफ्ट हो गई है। इसी तरीके से मैंने लो गैस फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट तक ढक ढक कर और बीच बीच में चलाते हुए कीमा को पकाया है और अब कीमा से तेल बाहर आने लगा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कीमा से तेल कितनी अच्छी तरीके से बाहर आ गया है। अभी कीमा से थोड़ा और तेल बाहर निकलेगा तो बस 1 मिनट के लिए और कढ़ाई का ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। लगभग 1 मिनट के बाद देखिए कढ़ाई का ढक्कन हटाने पर कीमा से कितना ज़्यादा तेल बाहर आ गया है। इसका मतलब है कि मीट पूरी तरीके से गल गया है और आप इस स्टेज पर गरम मसाला डालकर कीमा को गैस से उतार सकते हैं। पर मैंने लगभग 1 कप पानी डाला है कीमा में और अब हाई फ्लेम पर गरम मसाला पाउडर डालकर इसे एक बॉयल आने तक उबालूंगी और उसके बाद इसमें घी का तड़का लगाऊंगी। कीमा में एक बॉयल आ चुका है तो मैं अब इसमें घी का तड़का लगा रही हूँ और घी का तड़का लगाने के साथ ही हाई फ्लेम पे धनिया पत्ती के साथ गार्निश करके गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद कीमा को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है
और कढ़ाई का ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया है, जिससे कीमा में घी की खुशबू आएगी। 2 मिनट हो गए हैं तो कढ़ाई का ढक्कन मैं हटा रही हूँ। देखिए कीमा देखने में कितना मार्वेलस लग रहा है, देखने में इतना लजीज है, तो मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं चल रही हूँ इसकी प्लेटिंग करने के लिए। तो आप लोग भी कीमा बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। कीमा को आप पाव के साथ या फिर तवा रोटी, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी या बटर नान के साथ खाइए। ये एक बहुत अच्छी नॉन वेज कॉम्प्लीमेंट्री डिश है। चाहे तो कीमा के ऊपर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ओनियन रिंग्स और हरी मिर्च के साथ इसे सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ कीमा बनाने के जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको कीमा बनाते समय यूज़फुल होंगे। अगर आपको कीमा की ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इसे एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने अभी तक लाइफ इज़ ईजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। आप अगर मेरी दूसरी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने अपनी दूसरी रेसिपीज़ का लिंक दे रखा है। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाइए, खुश रहिए।